मैडम की आबू जाने की तैयारी। पेटी लजा के आए गाली मेरा। गाइस आप देख सकते हो ये पीछे अंकल का असम के रिपो गई पूछे ये बुलाए हुए है मुक्का मुक्का लगी के बचपन है और ये मैडम आराम कर रही है। सोने के लिए घर आया किया है हमने। ये तो देख ये तो पता है सोने के लिए कला खेला देती। तो अभी बज रहे 10:15 और ये होटल। हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? अच्छा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। बज रहे शाम के 6:10 है और मैंने सुबह से ऐसे सोचा था व्लॉग स्टार्ट करूँ लेकिन हुआ नहीं। कल मैं आ गई थी शाम को 6:30 6:30-7 घर पे पहुंची थी। उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था और सुबह से मैं कामों में लगी थी और आज इतनी हवा लग रही है इतनी धूल आई है ना घर में। सुबह से मैं काम में लगी थी तो मैं दोपहर को 3:30 फ्री हुई हूँ क्योंकि 3 दिन के कपड़े धोने थे वो धोए घर को पूरा साफ किया और इतनी धूल मिट्टी हो गई थी घर में 3 दिन के बाद भी वही हाल था घर का साफ सफाई ये वो। 2 दिन रुक के आ गई तो फिर वैसा ही गंदा हुआ। परसों मैं का काम सब फिनिश करके चली गई थी पोछा वोछा नहीं मारा था जितना हुआ उतना काम करके चली गई थी और कल शाम को आई तो 2 दिन में इतना घर हमारा गंदा हो गया क्योंकि यहाँ पे ना सामने मैदान है सामने उसे एक मैदान है तो वो वहाँ से धूल बहुत आती है हवा सीधी आती है घर में इसकी वजह से ना घर में बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और अब मैं थोड़ी सी बनाती हूँ चाय। बाहर काम है तो काम के लिए जा रही हूँ कपड़े इतने सारे धोए हैं उनको उठाना है तो पहले मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ कपड़े उठा लेती हूँ फिर घर को लॉक करती हूँ और जाती हूँ। और भी बहुत सारे आज शाम को काम फिनिश करने जो करने हैं वहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है तो मैं पहले बाहर से कपड़े ले लेती हूँ। देखो कितना कचरा आया है सुबह ही मैंने और कितनी हवा लग रही है। तो मैंने चाय पी ली और चाय फिनिश हो गई अब मैं निकल रही हूँ जाने के लिए। और अभी मैंने बनाया थंबनेल टाइटल लिखा और वीडियो पब्लिक किया अभी 6:00 6:02 हुई है और मैंने रात को पूरा व्लॉग एडिट करके रखा था सिर्फ अपलोड करना था और मेरा व्लॉग डिलीट हो गया। तो जब हम मेहनत करते हैं और फिर हमारे साथ ऐसा होता है तो कितना बुरा लगता है आप भी समझ सकते हो कि हम दिल जान लगा के इतनी मेहनत करते हैं कुछ ऐसा हमारे साथ होता है तो कितना हमको लगता है। और इससे पहले जब मैं आई तो व्लॉग स्टार्ट किया था और मैंने सोचा था कि रेगुलर रोज़ एक व्लॉग आना चाहिए तो क्या हुआ कि मैंने व्लॉग शूट किया तो बीच बीच में इतना चिपक रहा था वीडियो के मैंने कितना क्रॉप किया फिर भी वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर मैंने वो पूरा व्लॉग मेरा डिलीट कर दिया। पीछे के सीन बहुत अच्छे थे लेकिन पहले पहले का व्लॉग बहुत चिपक रहा था तो मैंने सोचा वो व्लॉग ही नहीं डालना वैसे करके मैंने व्लॉग नहीं डाला और एक व्लॉग मेरा डिलीट हो गया। और आज 2-3 दिन से तो लगातार रोज़ ही व्लॉग कर रही हूँ एक दिन का भी गैप नहीं है लेकिन बीच में ना क्या हुआ कि मैं डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए चली गई तो एडिटिंग नहीं हुआ और अपलोड होने में प्रॉब्लम हो गई। फिर रास्ते में मेरे नेट इतनी नहीं थी कि पूरा प्रॉपर व्लॉग अपलोड हो जाए और एडिटिंग का भी ऐसा होता है ना कि एक दिन के लिए वहाँ जाते हैं और अपना काम पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर घर वालों को टाइम नहीं दे पाते इसके लिए फिर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग का तो मेरा रोज़ है यहाँ पे भी मुझे रोज़ व्लॉगिंग करना ही है तो वहाँ पे गई हूँ तो एक दिन सबके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ इसके लिए फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग पे ध्यान नहीं दिया। वैसे ध्यान देती तो हो जाता मैंने सोचा था रात को कर दूँगी एडिट करके रात को अपलोड कर दूँगी लेकिन रात को फिर हम सब बाहर बैठ गए तो फिर सब जग रहे थे तो वहाँ बैठे तो वहाँ फिर एडिटिंग को तो कुछ सूझता नहीं है इसके लिए फिर रह गया था 2 दिन बीच में गैप आ गए। अब गैप ना आए यही कोशिश करूँगी आज रात को मुझे 2 व्लॉग एडिट करके प्राइवेसी में अपलोड करने ही पड़ेंगे क्योंकि हम जाने वाले हैं घूमने के लिए तो फिर 2 दिन नहीं रहेंगे तो वहाँ फिर रास्ते में नेट का इशू होगा तो घर पे नेट है तो नेट का हम भरपूर फ़ायदा उठा के फिर हम व्लॉग अपलोड कर देंगे तो आपको टाइम टाइम पे व्लॉग देखने को मिल जाए मेरे। और आप सब भी वेट करते हैं तो मुझे काम करने का ज़्यादा मन होता है कि मैं काम करती हूँ सब देख रहे हैं वेट कर रहे हैं इसलिए फिर मैं
ज़्यादा काम पे ध्यान देती हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ। फिलहाल बाहर हो रहा है लेट, फिर जल्दी अंधेरा हो जाता है, जल्दी से काम अपने फिनिश करके मैं घर पे आके फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगी घर पे। बस थोड़ी देर हुई मैं घर पे आ गई, और ठंड इतनी लग रही है ना बाहर, हवा लग रही है, तो स्वेटर और ये सब पहन के रखा है। बनाना है खाना, सोच रही हूँ क्या क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। रोज़ का यही होता है हम सब औरतों का कि खाना क्या बनाए, सुबह शाम दोपहर बस यही होता है कि बनाए तो बनाए क्या। खाने को इतना कुछ होता है कि ये खाना है वो खाना है, लेकिन बनाने की बारी आती है तब हमको ये होता है कि क्या बनाए, बस ऐसे क्वेश्चन मार्क रह जाता है क्या बनाए। अनिल ये हमारी मैडम के आबू जाने की तैयारी, आप लोगों को नहीं बताया और मैडम निकल पड़ी। कल सिर्फ इतना बताया था कि हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताया था। गीत बंद करा था अनिल। गाइस आप देख सकते हो ये पीछे अंकल क्या कर रहे हैं। फाइनली अनिल आप कुछ कहना चाहते हैं? फाइनली कुछ कह दो। फाइनली बला ए बला तो फाइनली किधर पहुंचे बला मला की रिएक्ट कर। हाँ बोलो मला असे भाव में एटीट भाव है पता नहीं लोग को एटी 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 टू टू पे मला एक हाथ है मैंने वो रोना है ए बावला पास हम के रिपो गई कहां के केडा पोछा दी पा केडा बबे इचा ती बोलोगी बोर बोर थी होता है ना ना बोर बोर की ना तो देने एनर्जी ऐसी हुई है रे कर हम खाना वाना खा के सो रहे हैं और ऐसे मैनेज किया है ना गाड़ी में, आपको उतरेंगे तब दिखाएंगे दोनों कैसे सो रहे हैं। अल्टो को कैसे कर दिया हमने पूरी सीट में ऐसे बीच में जगा दी, तो वहाँ बैग बैग भर के पूरा ऐसे करके फिर हम सो रहे हैं। तो गाइस ये हम पहुंच रहे हैं कितना
मैंने 83 किलोमीटर पर आया है और ये यार फोन चल रहा है इनका और यहाँ पे महारानी आराम कर रही है। ठीक है, कहाँ पर पहुंची तुम्हें पता है? आप पूछो। और ये मैडम आराम कर रही है। हाँ मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ यार? चलो गाइस मैं नजारा दिखाती हूँ। और ये देखो ये नजारा, इसको हम टैला कहते हैं कच्ची में। और ये टैला है और ये दूसरा टैला है, आगे जा रहा है टाकी उखड़ के जा रहा है। देखो है ना कितनी है हरी कलरिंग कलरिंग टाकियां। ओह माय गॉड, की नहीं चाहिए ये मारू, की नहीं करती हूं मैंने। इज इज नहीं बोलो जानना है कि और वीडियो आ नहीं फोन कर रही हैं। सो कर दो तो दिस सो कर दो। ये भी टेला, ये इसका हस्बैंड अनिल जीड़ी। और ये जा रही है गाड़ी, जा रही है, जा रही है जिम। दिल्ली केली 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 नहीं रो तो फिर बेबी प्लीज प्लीज जगह दो जगह दो जगह दो। कोई है ही नहीं, जगह कौन देगा। और हम पहुंच आए हैं, किधर पहुंचा है पता नहीं पर पहुंचा है किधर भी। कुछ कहना है आपको? पहुंच के बात करेंगे अभी, सो जाओ। क्या ठीक है, गुड नाइट बाय। अच्छा देखो गाइस मेरे नेल बनवाए हैं, कैसे लग रहे हैं? अगर आपको भी ऐसे करवाने हैं, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करवाने हैं तो मुझे डीएम करना, मैं खुद नेल आर्ट करती हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो क्या कर रहे हो आप? चाय पीने के लिए उठे थे, अब फोटो ले। इसका फोटो ले रहे हो? ये बेड देखो, ये हिंदुओं का बेड, ये देख तो मेरी जैकेट की सत्यानाश। ए इधर आ, तो इधर आ, उधर से आ। ये देख तो ये सोने के लिए घर आया है हमने। ये तो देख, ये तो पता है सोने के लिए। ये तेरे तकड़ क्यों ते सुनन नहीं ने तो करो ताई तकड़ क्यों देता सीगी गड्डियों की सामान। ठीक है ठीक है, वे ले रखो। ये चुन्नी ये कहीं दम बच्चा पल्ला की नोड़ी रखो। हाय गाइस, मुझे शर्म आ रही है।
केटर गाड़ी आबू तो पिंदी बराबर आसा बेड काड़ो बनाया हमने बेड कैसा बनाया या बता देनो से जुगाड़ करके कर ले जुगाड़ करो रे अरे हां भला वो ये हां अभी तो अभी बज रहे हैं 7:45 और फिर से चाय पीने के लिए वहां पे हमारी बन रही चाय कला खेला दीदी कला खेला दीदी भूत जेड़ी कला खेला हेलो गाइस हेलो गाइस की रची हो ये दोनों वहां पे बैठे तो चाय पीते हैं क्योंकि नींद आ रही है और एक दो छपिया तो मार लिए नींद की खाना तो पता नहीं कब खाएंगे तो चाय की चुस्के मारते हैं और नींद भी थोड़ी कम आए और ठंड भी थोड़ी कम लगे तो अभी बज रहे 10:15 और ये होटल जो स्टे करने के लिए अनिल और भाविन गए हैं देखने के लिए रूम देखते हैं रूम मिलता है तो यहाँ पे नाइट होल्ड करेंगे और यहीं पे ही खाना खाएंगे मेरे पे हंस रही है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और ऐसे ब्लर हो रहा है तो मैंने सोचा कि पीछे के कैमरे से ही सिर्फ व्लॉग करती हूँ तो इसके लिए ये हंस रही है मेरे पे और हमारे हाल देखो ऐसे बेहाल हो गए हैं हम दोनों ऐसे दिख रहे हुए